इनको इतिहास बताना चाहता इसका हूं, जवाब जितने नहीं भी आपके ओबीसी पास। और पिछड़े लोग हैं वो कभी सम्राट हुआ करते थे। घनानंद की आप जाति देख लीजिएगा, वो दलित जाति से थे और सबसे अब लीजिए, वैभवशाली सम्राट थे, सबसे अब लीजिए, धनी अब उनकी सम्राट थे। गाड़ी टूट बाद वो देश की महामहिम है। अब उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो नहीं, नहीं आ रही, नहीं बुला रही सरकार, ये कि हाँ छत्तीसगढ़ में मैं ये बता हुआ, रहा हूं उत्तर कि प्रदेश में वो हुआ, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर वो आती तो अच्छा होता कि नहीं अच्छा होता? एक आदिवासी महिला जो देश की महामहिम है, अगर वो आती देश में एक अच्छा संदेश जाता कि नहीं जाता, इस पर बता दीजिए। महामहिम महान लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा उनके प्रेजेंस से ज्यादा बड़ी होती है। उनकी शुभेच्छा दिल्ली है, में ही उनका है, अरे आशीर्वाद दिल्ली है, में ये है, सबसे बड़ी उसके लिए चीज तो है। किराया। अस्मिता के साथ नया भवन 800 करोड़ रुपए का तैयार हुआ है, आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। हर जाति धर्म के लोगों का उसमें खून मिट्टी पसीना लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। इसका अपमान करके आप 130 करोड़ जनसंख्या जो है, जो यहाँ के नागरिक है, जो टैक्स पेयर है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। एके मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा साहब का बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उससे बाकी सब चीजें तो जो हैं सो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम संविधान, लोकतंत्र और जमहूरियत और लोकशाही, इनका मर्डर बच गया। नहीं, नहीं तो लग रहा था कि हो ही गई इनका मर्डर। अब कम से कम ये तो अच्छी खबर है देश के लिए, नहीं? ये अमिताभ जी, अच्छी खबर है, आपकी बातें सही है। देखिए, जो इन लोगों का एक सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री जी इसका क्यों करें, तो जो ये नया संसद भवन बना है उसके जो सभापति होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये रिप्रेजेंट करेगा भारत के 150 करोड़ जनता का। तो 150 करोड़ जनता द्वारा चुना गया जो सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है कि इसको नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि 150 करोड़ की जनता कर रही है, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके अभी बैक में दिखाया गया था कि जी हिंदू मुसलमान ये सारे प्रतीकों को लाया जाना चाहिए, आप देखिए इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस धरती की अगर कोई चीज है तो यहाँ की आइडियोलॉजी, यहाँ के प्रतीक चिन्ह भी इस धरती के होंगे। ठीक है, मुस्लिम क्रिश्चियन इस देश के नागरिक है, रहते हैं, वो अच्छी चीज है, स्वागत है, लेकिन आइडियोलॉजी, विचारधारा और सारी प्रक्रियाएं तो इस लैंड की होनी चाहिए जो कि हमारा हिंदुस्तान का, भारत का एक नेचुरल रिजर्वेशन है, गॉड गिफ्टेड नेचर है। तो यहाँ के प्रतीक भी जो सिंगोल है भारतीय कल्चर से ही मिलते जुलते उन्हीं से लिया जाना चाहिए, ना कि ब्रिटेन और कहीं और से। इन लोगों का बस चलेगा तो ये तो ब्रिटेन और कहां कहां के ये प्रतीक ले आ देंगे, बोलेंगे जी डेमोक्रेसी का ये प्रतीक सबसे अच्छा है। सारे प्रतीक अशोक चक्र जो है, धम्म चक्र है ना, वो इनसे पूछिए, 70 सालों तक अशोक चक्र लेके, गाड़ियां लेकर के, कुर्सियों पे लेके घूमते रहे, तब तो किसी ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि वो क्यों है जी, वो भी तो धम्म चक्र है ना, अशोक चक्र को धम्म चक्र बोलते हैं। तो ये दोनों सवाल इनके नाजायज हैं और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हैं। जस्वी बोलेंगे, ऐसा तो कहा नहीं मिश्रा जी, गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिए। एकदम सही बात है अमिताभ जी, आप अभी कंप्लीट कर 28 को, 28 को महामहिम का डिटेल्ड वक्तव्य पढ़ा जाएगा, ठीक, जिस पर उनके हस्ताक्षर होंगे, हम उसको मानेंगे कि जयराम रमेश की को मानेंगे? बताइए भैया मिश्रा जी, देखिए अमिताभ आ रहे हैं जी, जोशी जी आ रहे हैं आपके पास। हाँ, अब महामहिम जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, मैंने उनके एक दो भाषण को सुना है, बहुत उदार चरित्र की और बहुत विशाल हृदय की। यहाँ सारी लड़ाई क्रेज लेने की हो रही है। अब मैं बताऊं, सीताराम केसरी को कैसे हटाया गया था, कमरे से खींच करके उनको निकाला गया और सत्ता का हस्तांतरण हो गया, अधिकारों का हस्तांतरण। अखिलेश यादव जी अब मुलायम सिंह यादव से कैसे स्टेज पे लड़े थे और सत्ता का हस्तांतरण हो गया, तो इनके यहाँ सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है इसके लाइव एग्जाम्पल है। ये लोग यही चाहते हैं, जो भारतीय परंपरा में विश्वास करते हैं, चाहे हमारी राष्ट्रपति जी हो, द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक घटना का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन जी की उद्घाटन कौन करेगा। एक कार्य सिद्धि हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा समवेत तरीके से, एकीकृत तरीके से ये हमारी अचीवमेंट है, रेदर देन कि जी हमको बुलाओ। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कुत्ते बिल्ली को बुलाया जा रहा है,
किस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं सर? पक्ष या विपक्ष के जो नेताओं को बुलाया गया है, गणमान्य लोगों को बुलाया गया है, वो कुत्ते बिल्ली है जी। आप अपने ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मैं अंशु भाई पास चलता हूँ। मिश्रा जी तब जी ये तो गणित पलट जाएगा फिर। अमिताभ जी देखिए, यहाँ गणित पलटने की बात नहीं है। मैं ये जो विरोध कर रहे हैं, जो नया संसद भवन बना है, आप मुझे ये बताइए, भारत सरकार न जाने कितने नए राजमार्ग, दिल्ली से बंबई का राजमार्ग बन रहा है, ऐसे कितनी सारी चीजें बन रही हैं, तो क्या ये उसका भी विरोध करेंगे? और इसी आइडियोलॉजी के साथ, इसी नपने के साथ, इसी पैरामीटर या यार्डस्टिक के साथ इनको पूछ लीजिए, बोलिए विरोध कर दे कि जी हम गाड़ी घोड़ा लेके नहीं जाएंगे, ये सब चीजें। विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी निमंत्रण इन लोगों को गया नहीं, इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तो उस भवन में बैठेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बात है? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे बैठेंगे, बैठेंगे तो उसके लिए तो चुनावी लड़ेंगे। नहीं सब बैठेंगे, देखिए है क्या, और हो सकता है अगर आप चाहते हो नहीं बैठेंगे ना, तो हो सकता है भगवान आपके मन की मुराद पूरी कर दे, आप किसी भी संसद भवन में बैठने के लायक चुनाव में रहिए मत। देश की अस्मिता के साथ नया भवन 800 करोड़ रुपए का तैयार हुआ है, आप लोगों के लिए तैयार हुआ है, हर जाति धर्म के लोगों का उसमें खून मिट्टी पसीना लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, इसका अपमान करके आप 130 करोड़ जनसंख्या जो है, जो यहाँ के नागरिक है, जो टैक्स पेयर है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। ठीक, कैसी आप बातें कर रहे हैं? अंशु अवस्थी जोशी जी अभी रुके आएंगे। क्या देश के राजनीतिक दलों में इतना नैतिक साहस आपको दिख रहा है मिश्रा जी, कि जनता का जो जनादेश आए उस वक्त, तब वो मान लेंगे कि हाँ, या तो इधर वाले मान लें कि वो सही कह रहे थे, या उधर वालों को मानना होगा कि वो गलत बोल रहे थे, मान लेंगे, या तब कोई थेथरोलॉजी की नई स्कीम आएगी? मिश्रा जी, अमिताभ जी, आपकी जो ये मंशा है ये दीवा स्वप्न है। अगर इतनी बड़ी बात हो जाए, इतनी समझ आ जाए नेताओं में, पार्टियों में, पक्ष विपक्ष जी, अब तो बवाल ही ना हो। आप ये देखिए, जाति प्रथा और आदिवासी, इन सब चीजों को नेता लोग उछालते रहते हैं। मैं इनको इतिहास बताना चाहता हूँ, जितने भी ओबीसी और पिछड़े लोग हैं, वो कभी सम्राट हुआ करते थे। घनानंद की आप जाति देख लीजिएगा, वो दलित जाति से थे और सबसे वैभवशाली सम्राट थे, सबसे धनी सम्राट थे। ये मिस इंटरप्रिटेट करना, जाति को हर आधार बनाना, ये इन लोगों डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीजों का, तो इनका ये है कि कभी ये जाति को उठाएंगे, कभी ये द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी थी तब भी बहुत सारा विरोध हो रहा था। इनसे पूछिए ना कितने सांसदों ने उनके फेवर में वोट दिया था। अरे मिश्रा जी सुनिए, वो चुनाव था, चुनाव के बाद वो देश की महामहिम है। अब उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देश आपके मुंह से ये सुनना चाहता है। वो नहीं आ रही, नहीं बुला रही सरकार, ये की छत्तीसगढ़ में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में वो हुआ, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर वो आती तो अच्छा होता कि नहीं अच्छा होता? एक आदिवासी महिला जो देश की महामहिम है, अगर वो आती देश में एक अच्छा संदेश, मेरे मुंह से सुन लीजिए, बता दीजिए। महामहिम महामहिम महान लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा उनके प्रेजेंस से ज्यादा बड़ी होती है। उनकी शुभेच्छा है, उनका आशीर्वाद है, वो विरोध तो नहीं कर रही है, वो आप लोगों की तरफ विरोध तो नहीं कर रही कि हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों के दिल्ली में ही है वो, आप तो बोल रहे हैं हम बैठेंगे। आदिवासी समाज से है इसलिए नहीं आ सकती, मनाइए, नहीं आ सकते आप। ये तानाशाह का कार्यक्रम है, नहीं आ सकते। वो आदिवासी समाज की है, ठीक 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 है मिश्रा जी, अवस्थी जी, मिश्रा जी, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा। आगे बात मिश्रा जी, आगे भाई, आगे दोनों की।